भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनने देंगे, भारत को भारत ही रहने दो। राजनीति में आमूलन परिवर्तन की आवश्यकता है और ये पार्टी आम जनता के सामने कांग्रेस और भाजपा के बाद अच्छा विकल्प साबित होगी। ये शब्द भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे व उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मापदंडों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी हिमाचल विधानसभा चुनाव में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 उम्मीदवारों की शीघ्र ही सूची भी जारी करने वाली है, जिसका ऐलान नवरात्रों में विधिवत रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ईमानदार योग्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हर विधानसभा क्षेत्र से उतारेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी का 24 नवंबर 2014 को पंजीकरण हुआ था और अब तक पार्टी 3 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। उनकी पार्टी गैर मान्यता प्राप्त है। भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक दल नैतिक आचरण का उल्लंघन करने में संकोच नहीं करते हैं, जो पहले कांग्रेस करती थी अब भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में देश के प्रधानमंत्री आधार का विरोध करते रहे और एफडीआई का भी विरोध करते थे, प्रचून में एफडीआई नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उनके विचार बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को 29 अधिकार हैं, लेकिन कोई भी सरकार उन्हें अधिकार नहीं दे पाई है। पांडे का कहना है कि उनकी पार्टी भारत को असल भारत बनाना चाहती है, जो आम पार्टी के हित में होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था अंग्रेजों की समय की है, जिसका उद्देश्य शोषण करना और अपना हित साधना है। इस अवसर पर उनके साथ राम मोहन दास सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हम लोग 24 नवंबर 2014 को इस पार्टी का गठन हुआ, पंजीकृत हुई ये पार्टी। अभी तक हम 3 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अब इस हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी शिरकत करेंगे। हम बाकी दलों से अलग धारा के विपरीत तैर रहे हैं। हम देश की राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी में लाना चाहते हैं, इसलिए हम आधारभूत रूप से व्यवस्था का परिवर्तन और मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास पर जोर देते हैं। इसके अलावा हम राजनीति में शुचिता और सादगी, इसको भी स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रत्याशी के चयन में कठोर मापदंडों का उपयोग करते हैं। हमने कुछ अपने आप पर अनुशासन बनाकर रखा है। लगभग 20 स्थानों पर हमको कुछ पात्र लोग मिल गए हैं, बाकी स्थानों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मापदंड के अनुकूल लोग मिलेंगे तभी हम चुनाव लड़ाएंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हम देश की राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई सीट जीतना या सरकार बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन करना ये हमारा ध्येय है।